Right to guys, this is our brand new Garib Rath Express. वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है थर्ड एसी इकोनॉमी में. एक बात अच्छी है कि ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है. जर्नी तो काफ़ी अमेजिंग रहा गुवाहाटी कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग. आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन. तो अभी मैं फिलहाल हूँ राइट नाउ आई मीन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एंड आज हम जर्नी करने वाले इन 12518 ब्रैंड न्यू तो नहीं कहूँगा लेकिन इसका कमबैक हुआ है आफ्टर 4 ईयर्स विथ न्यू LHB कोचेस के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस. गुवाहाटी कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में हम जर्नी करने वाले. वैसे अगर आप देखोगे अगरतला से ये लॉन्च हो चुका है. 3 जुलाई को लॉन्च हुआ था एंड 6 जुलाई को ये गुवाहाटी से लॉन्च हुआ था. तो टुडे इज़ 13th of July. मेरा नॉर्थ ईस्ट का अगर आप देखोगे ट्रिप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ब्लॉग्स धीरे धीरे आई थिंक यहाँ पे चैनल पे आएंगे पूरे महीने में. खैर आज है 13th of July तो मैं फिर घर से वापस गुवाहाटी पहुँचा हूँ यहाँ पे गरीब रथ को कवर करने के लिए. अगर आप देखोगे गरीब रथ जो कि अगर आप देखोगे वीकली ट्रेन है. एज आई टोल्ड यू बिफोर कोविड ये चला करता था. अब न्यू LHB कोचेस के साथ ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. ने एवरी सैटरडे को ये गुवाहाटी से चलता है एंड आई थिंक एवरी वेडनेसडे को ये अगरतला से चलता है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सालों पहले मैंने गरीब रथ का एक ब्लॉग बनाया था फ्रॉम आई थिंक पटना टू यहाँ पे न्यू दिल्ली. तब ग्रीन कलर का था बट अब अगर आप देखोगे अब गरीब रथ धीरे धीरे सारे गरीब रथ आप LHB में ट्रांसफॉर्म हो रहे. और कौन से वाले कोचेस है वो अगर आप देखोगे जो अभी फ़िलहाल 3rd AC इकोनॉमी वाले कोचेस हो है ना जो ट्रेन्स में लगे हुए वही अगर आप देखोगे गरीब रथ में यहाँ पे LHB में कन्वर्ट हो रहे. तो सो इतने सालों तक यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने ट्राई किया कि वो यहाँ पे ज़्यादा ऐसी कोचेस लाएंगे कंपेयर टू स्लीपर कोच के मामले में. अगर आप देखोगे पहले स्लीपर कोचेस ज़्यादा होते थे AC कोचेस कम होते थे बट आफ्टर 3rd AC इकोनॉमी काफ़ी सारे कोचेस बढ़ गए. लेकिन अब वो आइडिया फेल होता हुआ नज़र आया यहाँ पे इंडियन रेलवेज को. क्योंकि अगर आप देखोगे मतलब पब्लिक बढ़ चढ़ कर AC वाले में भी भरी हुई है. स्लीपर में तो मत ही पूछो जर्नी कर ही नहीं सकते और जनरल का तो हालत ख़राब हो ही रखा है. तो पब्लिक करे भी क्या. तो ऐसे में अभी यहाँ पे इंडियन रेलवे अभी फ़िलहाल सुनने में आया हुआ है कि 2024-25 में 10,000 यहाँ पे जनरल एंड स्लीपर कोचेस बनाएंगे. तो लेट्स से अगर आप देखो मेरे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है अगर आपको AC ट्रेन्स लानी है तो पूरे फुल्ली AC ट्रेन्स ला दो. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है रादर देन आप यहाँ पे स्लीपर वाले में AC वाले कोचेस को लगा के मतलब बढ़ा दो. तो इससे अच्छा बेटर ये है कि स्लीपर कोचेस रहने दे AC. हाँ 3-4 कोचेस पहले जैसे थे वैसे ही. और अगर AC ट्रेन्स चलाने ही है तो बंदे स्लीपर तो ऑलरेडी आ ही रहा है. देन अगर आप देखोगे नॉर्मल LHB वाले फुल्ली AC वाले ट्रेन ला देने से. नाउ द टाइम इज़ 7:40. वैसे हमारा ट्रेन 9 बजे है और ये व्यू अगर आप देखोगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का काफ़ी अमेजिंग लगता है यहाँ पे शाम के टाइम में रात के टाइम में. और यहाँ पे अगर आप देखोगे वाटरफॉल वगैरह एंड न्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेन रेस्टो हैज़ ऑल्सो बीन ओपन द न्यू ट्रेन रेस्टो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे आई लव गुवाहाटी भी लिखा हुआ है अच्छा लग रहा है. वैसे इसका सेपरेट ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा. बाकी यहाँ पे वीडियो में बने रहो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो एज वेल एज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना. बाकी अगर आप लोगों ने गरीब रथ में यहाँ पे ट्रैवल किया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग यहाँ पे ट्रैवल किए हो या नहीं ये वाले गरीब रथ में या फिर और भी कोई गरीब रथ में इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल किए हो या नहीं. फिर मैं आपको दिखा दूँ न्यू एग्जीक्यूटिव लाउंज भी ओपन हो चुका है. जस्ट ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक्सीलेटर के बगल में तो यहाँ से अगर आप देखो एग्जीक्यूटिव लाउंज ओपन हुआ है. तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन काफ़ी कुछ न्यू आ चुका है. रिटायरिंग रूम भी यहाँ पर ओपन हुआ है. तो खैर अपने ट्रेन अभी कौन सा नंबर स्टेशन में लगने वाला है एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है. अभी 7 नंबर दिखा रहा है. मैं थोड़ा सा डिनर वगैरह कर लेता हूँ देन उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ. बाकी जनहार इज ऑल्सो ओपन. तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म नंबर 1 ऑफ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन. काफ़ी पहले मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था. एक बार फिर से मैं बनाऊँगा सेपरेटली आप लोगों को बताऊँगा कि क्या कुछ नया आया हुआ है.
तो अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मिलता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट टू गाइज, दिस इज अवर ब्रांड न्यू गरीब रथ एक्सप्रेस। लगा तो दिया है गाइज, बट डोर्स हैज बीन नॉट ओपन। तो लेट से कब ओपन होता है? 8:11 इन द नाइट। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया हुआ है। कोचेस अगर आप देखोगे ब्रांड न्यू लग रहे हैं, अंदर से इंटीरियर भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इंटीरियर तो मैं अंदर चल के बताऊँगा। एंड किसी किसी कोचेस में आपको ऐसे बाहर डिस्प्ले मिल जाएगा, बट किसी में नहीं है, जैसे कि G7 में है। मेरा वाला जो G6 है ना, उसमें नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर आप देखोगे उसमें नहीं है, हमारे वाले G6 में। यहाँ पे माल लोड कर रहे इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा, बहुत रश हो रहा है। डोर हैज बीन ओपन, पहले सभी को जाने देते हैं। आपको स्लाइडिंग डोर मिलेगा। तो दिस इज माई सीट गाइस, साइड लोअर, ऊपर में अपर है, साइड लोअर। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है, ऑब्वियसली विल गेट बेडिंग्स वगैरह। ये कंबल है, ये कंबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिल्लो कवर इज देयर, ये बेडिंग लगाने के लिए। एंड दिस वन इज मोबाइल होल्डर आई थिंक। दिस इज माई सीट 15। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट एज वेल एज चार्जिंग लाइट इज ऑल्सो देयर। मोबाइल होल्डर इज ऑल्सो देयर। एंड ऑब्वियसली पर्दा वगैरह। सर का इंटीरियर देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट यहाँ पे वॉश बेसिन, बट पानी इज नॉट देयर। एंड ऑब्वियसली मिरर इज देयर, डस्टबिन इज देयर, फायर एक्सटिंग्विशर इज देयर, एंड द टू टॉयलेट्स। ट्रेन ऑलमोस्ट पूरा फुल ही है गाइस। अगर आप देखोगे अंदर से, मैं आपको अच्छे से इंटीरियर वगैरह भी नहीं दिखा पाया। स्क्यूजियल के बारे में बताऊँ तो एवरी सैटरडे एज आई टोल्ड यू ये चलती है रात को 9 बजे। एंड हम कल दोपहर के 2:30 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेंगे, वेयर इट कवर्स अराउंड 1,003 किलोमीटर के आसपास। आई थिंक होल्ड ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 10-15 जैसे होल्ड है, 10-15 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से ये ग्वालपारा टाउन के थ्रू होते हुए जाती है, ना कि रंगिया के थ्रू होते हुए। तो ग्वालपारा टाउन, न्यू बनगाए गाँव, देन कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उसके बाद ऑब्वियसली NJP वगैरह, किशनगंज, मालदा टाउन, बंदेल जंक्शन के थ्रू होते हुए ये हावड़ा पहुंचती है नेक्स्ट डे। बाकी टिकट फेयर के बारे में बात करूँ तो 945 रुपीज़ है। ऑब्वियसली इट इज़ ए थर्ड AC इकोनॉमी, तो टिकट थोड़ा सा कम रहता है। नॉर्मली आप दूसरे गुवाहाटी टू कोलकाता के ट्रेन्स वगैरह देखोगे, हावड़ा के जैसे सरायघाट एक्सप्रेस हो गया, काजीरंगा एक्सप्रेस हो गया, कामरूप हो गया, उनमें कुछ ज़्यादा टिकट्स है, 1100-1200 के आसपास है। तो लेट्स सी आप कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाई साहब इतना तो बोलना होगा कि पूरा फुल जा रहा है, भाई साहब पूरा फुल। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गरीब रथ का, यहाँ पे अगर आप देखो जो साइड लोअर में ना जो मिडिल वाला बर्थ लगा देते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। बट आफ्टर ऑब्वियसली इसको LHB में कन्वर्ट करने के बाद अब जर्नी करना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गया है यहाँ पे। सो 9:03 गाइस, वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कामाख्या जंक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस ट्रेन का तो स्टॉपेज नहीं है, लेट से रुकता है या नहीं। आई थिंक वी आर स्कीपिंग, हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 लाइन जाता है एज आई टोल्ड यू, एक रंगिया वाला जो मेन लाइन अगर आप देखोगे सरायघाट रिवर के थ्रू होते हुए जाता है, एंड दूसरा हो गया ग्वालपारा के थ्रू होते हुए न्यू बनगाए गाँव। तो अगर आप देखोगे तो हम जाने वाले एज आई टोल्ड यू ग्वालपारा के थ्रू होते हुए न्यू बनगाए गाँव। एंड कामाख्या स्टेशन इज नोन एज फॉर माँ कामाख्या टेम्पल। आप यहाँ पे आए उतर के माँ कामाख्या टेम्पल का दर्शन कर सकते हो।
थिंक हम रुक गए यस हम यहाँ पे रुक गए। कामाख्या जंक्शन पे हम रुक गए, एज आई टोल्ड यू स्टॉपेज तो नहीं है बट यस ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। टोल्ड यू ये कोच बिल्कुल नया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखो 23 ये वाला अगर आप देखोगे इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, बाकी 1285 इसका सीरियल नंबर है एंड जो स्लेसी है वो आई डोंट नो वो क्या है। चलो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट हम यहाँ पे रुके, एज आई टोल्ड यू ऑफिशियल होल्ड तो नहीं है। एंड यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है हल्का हल्का बारिश। वैसे वाशरूम भी साफ सुथरा ठीक ठाक है, आई वुड से डेट दो टाइप के मिलेंगे ऑब्वियसली इंडियन एंड वेस्टर्न, लिक्विड सोप इज देयर, वॉश मशीन इज देयर, तो सब कुछ ठीक ठाक ही है यहाँ पे वाशरूम वगैरह आई वुड से डेट। सो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास हमारा फर्स्ट होल्ड यानी कि गोवालपारा टाउन आने वाला है, देन उसके बाद न्यू बनगाएगा एज आई टोल्ड यू कोकराझर देन न्यू अलीपुरद्वार होते हुए हम कल सुबह NJP पहुँचेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आराम करता हूँ, आई थिंक सो अगर जगह रहा तो मैं आपको ग्वालपारा टाउन या फिर न्यू बनगाएगा दिखा दूंगा, बट नहीं तो आपसे डायरेक्टली मैं। तो फॉर नाउ गुड नाइट, तो मिलते हैं लेट्स सी कहाँ होता है। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2N12518 गरीब रथ एक्सप्रेस गुवाहाटी कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अभी हम पहुँचे इन मालडा टाउन, तो रात को मैं सोने के बाद कब यहाँ पे ग्वालपारा आया कब यहाँ पे न्यू बन गया आया कुछ समझ में नहीं आया। और अगर आप देखोगे सुबह 4:30 के आसपास यहाँ पे आया था मेरे ख्याल से आपका न्यू जलपाईगुड़ी, देन उसके बाद गंज, नाउ आप जाके यहाँ पे मालडा टाउन पे अगर आप देखोगे हम 8:30 को पहुँचे। सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। अभी कुछ चाय वगैरह पी लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेन के अंदर तक अगर देखोगे साइड पेंट्री है, ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से नाश्ता वगैरह कर लेते। इसके बाद अगर आप देखोगे 668 किलोमीटर हैज़ बिन कम्प्लीटेड, मोर 440 किलोमीटर रिमेनिंग, तो ओवरऑल जर्नी इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। सुबह 8:30 के आसपास, गर्मी तो है यहाँ पे इधर इस तरफ, तो वी आर इन नाउ वेस्ट बंगाल। मालदा के फेमस आम देखो, यहाँ पे आम भी बिक्री हो रहे हैं, भाई साहब भर भर के लोगों ने आम खरीदा हुआ है। सो ज़्यादा देर नहीं रुके, लगभग 5 मिनट जैसे रुके निकल गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे चाय लेने गया था, अच्छा उसने बता दिया वरना मेरा ट्रेन छूट ही जाता। ब्रेकफास्ट बस यही है, चाय के साथ चाना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो है नहीं। सो झालमुड़ी वगैरह भी आना शुरू हो चुका है, काफ़ी कुछ आ रहा है बट इतना सुबह सुबह 9 बजे कौन खाएगा भाई झालमुड़ी। सो वी आर क्रॉसिंग नाउ फरक्का ब्रिज, अगर आप देखोगे ये फरक्का ब्रिज है।
वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है थर्ड एसी इकोनॉमी में, और कंपेयर टू थर्ड एसी सीट वगैरह थोड़ा सा कंजस्टेड है, मतलब थोड़ा सा अगर आप देखोगे नेरो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। जर्नी वाज क्वाइट गुड, रात भर नींद ठीक ठाक लगा। एंड वी आर स्किपिंग नाउ फरक्का जंक्शन, तो फरक्का को हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी होल्ड नहीं है। मॉर्निंग गाइस, सो वी हैव रीच्ड नाउ। अगर आप देखोगे हम पहुंचे यहाँ पे आजमगंज जंक्शन, तो आजमगंज मुरशिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है वेस्ट बंगाल का। खैर सो फार जर्नी इज क्वाइट अमेजिंग इन दिस ट्रेन, एकदम पूरा राइट टाइम में चल रहा है ट्रेन। इसके बाद अगर आप देखोगे कटवा विंडियर, देन उसके बाद एक और स्टेशन आने के बाद बांडेल, देन उसके बाद कोलकाता हम पहुँचेंगे। तो सो फार जर्नी इज क्वाइट गुड। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे खाना पीना का तो वही है सीन, अगर आपको पेंट्री कार्ड नहीं मिलता है तो ट्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मतलब आपको बाहर के वेंडर्स वगैरह से मिल जा रहा है खाना। ओवरऑल अगर आप देखोगे जर्नी ठीक ठाक चल रहा है, बाकी स्टेशन तो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे हम काफ़ी पहले पहुँचे तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकने वाले, एंड वेदर अभी थोड़ा सा गर्म है भाई साहब, इधर तो गर्मी है, धूप ज़्यादा नहीं दिया हुआ है लेकिन ठीक ठाक है। तो इसके बाद इधर टोल्डू काटवा आएगा, देन मिलते हैं लेट्स सी। काम 10:25 को गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मॉर्निंग सो गाइज वी हैव रीच नाउ कटवा जंक्शन। कटवा इज इन, अगर आप देखोगे ब्रंदमान डिस्ट्रिक्ट में आता है ये एक जंक्शन है, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बेसिकली अगर देखोगे तो कटवा बंदेल लाइन हो गया, हावड़ा कटवा एनजीपी लाइन वगैरह है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सुपर जर्नी इज क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। अब इसके बाद एक और स्टेशन आने वाला आई थिंक नवाबदीप धाम बोल के, देन उसके बाद बंदेल, देन उसके बाद कोलकाता विल बी दियर। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे। खैर यहाँ से अगर आप देखोगे कोलकाता इज स्टिल 200 समथिंग किलोमीटर रिमेनिंग, वी हैव कम्प्लीटेड 855 किलोमीटर, तो 2:30 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे कोलकाता। एक बात अच्छी है कि ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है, थोड़ा सा डिले हो गया था 1/2 आवर, बट ओवरऑल इसने मेकअप कर लिया है। फिर यहाँ से तो निकलने का टाइम था, अभी तक निकला नहीं है, 11:40 हो चुका है। चलो निकल चुके हैं कटवा से यहाँ पे। ट्रेन में आपको यहाँ पे गमछा रुमाल सब कुछ मिल जा रहा है। अभी 12:15 PM वी हैव रीच नवाद्वीप धाम रेलवे स्टेशन। यहाँ से इंडिया का एज वेल एज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल मायापुर में जो सिचुएटेड है वो अगर आप देखोगे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। चैतन्य महाप्रभु हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन टेम्पल, तो उनका बर्थ प्लेस यहीं पे हुआ है। तो अगर आप देखोगे यस इट इज़ ए होली प्लेस, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मायापुर एज आई टोल्ड यू इस्कॉन जा सकते हो। तो एक बार तो मुझे जाना है इस्कॉन टेम्पल, लेट्स सी कब मौका मिलता है। देखोगे लास्ट टाइम मैं गया था काठमांडू वाला इस्कॉन में, लेकिन इंडिया का मायापुर में जाना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बंदेल जंक्शन है, देन उसके बाद देयर विल बी कोलकाता। तो वो बंदेल आई गेस यहाँ पे 1 बजे के आसपास यहाँ पे आने वाला है। एंड सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड इन दिस ट्रेन। गर्मी तो है भाई साहब, कोलकाता तरफ तो गर्मी है,
फाइनली गर्मी का महसूस यहाँ पे हो रहा है कि हाँ चलो, क्योंकि अगर आप देखोगे आसाम में गर्मी तो मतलब है ही नहीं, जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन धूप दिया हुआ था। चलो नवद्वीप से हम निकल रहे हैं। जर्नी तो काफ़ी अमेजिंग रहा गुवाहाटी कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में। सो दिस इज इट फ्रॉम द ब्लॉग, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय द ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।